दोस्तों, किसी भी इमेज फाइल का टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बिना किसी टाइप करके आप सारे के सारे टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अब वो किस तरीके से इस वीडियो में दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये एक पेज है, मेरा पुराना वाला एक बुक्स था उसका एक मतलब फोटो खींच लिया मैंने। ये पेज का जो टेक्स्ट है ये देख सकते हो, मतलब मैंने ही खींचा, यहाँ पे देख सकते हो ये सारे के सारे टेक्स्ट एक झटके में आपको कॉपी करके किस तरीके से वर्ड के अंदर लेके आना है वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये वर्ड मैंने ओपन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ओपन करके रखता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए वन नोट, लेकिन चाहिए मत, वन नोट अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता है तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वन नोट के अंदर कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा काम है, आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप समझ जाएंगे। तो सिंपली अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो वन नोट ऑब्वियसली इंस्टॉल ही होगा। तो सिंपली जो विंडोज़ का सर्च बार है, चाहे आपका विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, 8 है, यहाँ पे आके आप सिंपली आप वन नोट लिख दीजिए तो माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट आ जाएगा। 2016 वर्जन में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसके अंदर वन नोट यहाँ पे अवेलेबल है। सारे के सारे जो वर्जन है उसके अंदर सेम ही वन नोट के अंदर फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वन नोट ढूंढने के बाद यहाँ पे सिंपली उसको आपको ओपन करके लेना है। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, वन नोट को थोड़ा सा ओपन होने देते, देखिए इसको मैंने ऑलरेडी करके रखा हूँ आपको दिखाने के लिए। अब इसको पूरा पूरा मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे देख सकते हो डिलीट नोट, ये जब आप ओपन करेंगे इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली लेफ्ट साइड में जो फाइल बटन है, फाइल बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए, फिर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये शायद कुछ ग्लिच है, ये आ चुका है। फिर यहाँ पे न्यू पे आपको क्लिक करना होगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट ए डिफरेंट फोल्डर या न्यू एक नाम करके आप नोटबुक का नाम यहाँ पे दे सकते हो। जैसा कि यहाँ पे मैं दूंगा सब्सक्राइब डीपी डिजिटल, ये हो गया। क्रिएट नोटबुक पे मैं क्लिक करूंगा तो नया नोटबुक जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इन्वाइट पे नॉट नाउ कर रहा हूँ तो ये क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो वो आपको ये तरीका आपको दिखा दिया। अगर इस तरीके से दिखा रहा है तो सिंपली यहाँ पे प्लस है ना, इस प्लस के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे डीपी सब्स करके जो भी नाम है सब्सक्राइब यहाँ पे दे सकता हूँ मैं। तो ये जो है ये आ चुका है, इसके अंदर आपको वो इमेज को इंसर्ट करना है जो इमेज को करना चाहते हो। जैसे कि इस इमेज का टेक्स्ट को मैं वर्ड के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, सिंपली इंसर्ट के ऊपर मैं मेरा को क्लिक करना होगा ऊपर में। फिर यहाँ पे देखेंगे पिक्चर, पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपका पिक्चर है वो आपको दिखा के देना है। जैसे कि नीचे में आ रहा हूँ मैं, वो वाला जो इमेज है उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो इमेज है, सिंपली इसके ऊपर इंसर्ट क्लिक कर दूंगा, ये इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे देखिए कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर से सारे के सारे टेक्स्ट जो है कॉपी हो चुका है। अब ये चीज़ को वर्ड के अंदर आपको पेस्ट नहीं करना, कॉपी तो हो चुका है लेकिन अगर आप पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब अच्छा खासा इसके अंदर जो है चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ऑर्गेनाइज देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से डिलीट करना है। अब किस तरीके से लेके आना है वो आपको दिखाऊंगा, ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पे जो है ये देख सकते हो, इसका साइड में जो आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई रहा है ना, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में पकड़ करके लेफ्ट माउस क्लिक करके यहाँ पे ऐसा करना है जहाँ तक आपको प्लेस चाहिए। इसको करने के बाद ऊपर में आना होगा एंड इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, माउस क्लिक कीजिए तो एक ब्लिंक जैसा आपको दिखाई देगा। सिंपली यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कीजिए, आप देखिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से सारी की सारी चीज़ें आ चुका है। तो सिंपली इसको अब इसको सिलेक्ट करना होगा आपको, इस तरीके से माउस क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कीजिए कंट्रोल सी, फिर आप इसके अंदर लेके आइए। आप देखिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से आप यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हो कोई भी उल्टा सीधा चीज़ नहीं है। मतलब डायरेक्टली अगर आप पेस्ट कर देंगे तो भी होगा, लेकिन उसके अंदर जो पैराग्राफ वगैरह है वो सही ढंग से मतलब यहाँ पे नहीं होगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए वहाँ पे पहले आपको पेस्ट करना होगा, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लेके आना होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको लगा ये वीडियो अच्छा है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको जो फ्रेंड्स उसके साथ इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी थोड़ा बहुत मदद मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।